नमस्कार दोस्तों, रुलानिया क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन बनी हुई है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसका जो ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति पूर्व जो वर्धमान है वहाँ पर जो वैकेंसी निकली उसके बारे में। तो दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है पहले बता देना चाहते हैं, लेकिन इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बात करते हैं स्टाफ नर्स की। यहाँ पर टोटल 9 पोस्ट हैं जिसमें कैटेगरी वाइज भी डिवीजन दिया गया है। अगर अपरेज लिमिट की बात की जाए तो 64 साल तक हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो गणना है वो 1/12/2018 को की जाएगी। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो अगर आपने GNM ट्रेनिंग कर चुके हैं और इसके साथ ही आपका INC में रजिस्ट्रेशन हो चुका था फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BSc नर्सिंग की है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल पेमेंट की बात की जाए तो 17,200 रुपये पर मंथ आपको मिले 220 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य जो प्रोफेशंस है यानी लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, परमानेंट रजिस्टर्ड जो रेजिडेंट होना चाहिए उसका वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो जिसका INTL कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो मार्च 2019 तक है, बाद में बढ़ भी सकता है। ये उनके उस कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होती है काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो ऑनलाइन अप्लीकेशन आपको फिलअप करना है 31/12/2018 तक है। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऑफिशियल साइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ये फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं और ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये लगेगी, वो यानी ₹50 पर जरूर जो कैटेगरीज है यानी SC ST की उनकी 50, बाकी के 100 रुपये लगेंगी। और उसके लिए आपको ये DD के रूप में आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो DD के जो भी आप करवाते हैं उसमें तो इसका वेरिफिकेशन या चेकिंग के लिए उसकी जो कॉपी है वो एक आप रख लीजिएगा, तो वो आपको चाहिए होगी। तो आप अन्य कुछ जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल साइट है ये, और इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी, वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी प्रकार की नर्सिंग से जुड़ी हुई चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी हो, सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।